हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया स्वागत करती हूँ अपने किचन रेसिपी किचन में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर करने वाली हूँ जो कि बनाना बहुत ही आसान है। मात्र 3 चीज़ों से मैं आपको बर्फी बनाना सिखाऊंगी। तरीका बिल्कुल सिंपल। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को करिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक जरूर पहुंचे। देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने घी लिया है। घी को मैं पूरा डाल दूंगी। घी जैसे ही पिघल जाए अब मैं इसमें 1 कप दूध डालूंगी। दूध बिल्कुल नॉर्मल है। हमको ये उन्हें चलाते रहना है। अब मैं इसमें 1 कप मिल्क पाउडर डालूंगी। मिल्क पाउडर थोड़ा थोड़ा करके डालना है। आपको स्किप नहीं करना है, इसको धीरे धीरे ऐसे चलाते रहना है। जब भी आपको बर्फी खाने का मन हो इंस्टेंट, आप ऐसे घर में बना सकते हैं। अब मैं इसमें 1/2 कप चीनी डालूंगी। और मैं 4 से 5 इलायची पाउडर डाल रही हूँ कुटी हुई। सबको मिक्स करना है। मिक्सर हमारा अब तैयार होने वाला है। इसको थोड़ा सा और गाढ़ापन हो जाएगा तो इस मिक्सर को हम निकाल लेंगे। एक ट्रे में या थाली में, किसी में भी आप निकाल सकते हो। अगर आपके पास ट्रे है तो निकाल सकते हो, वरना आप डायरेक्ट थाली में घी ग्रीस करके आप निकाल लो। मिक्सर हमारा पैन में चिपकने लगा है तो इसमें हम 2 चम्मच घी और डालेंगे। चलाते रहिए। बिल्कुल मार्केट जैसी आपको बर्फी मिलेगी। मिक्सर बिल्कुल रेडी है। अब इसको मैं एक थाली में निकाल लेती हूँ। जितना मुझे मोटी पतली बर्फी रखनी है उस तरीके से हम इसको फैला देंगे। ये देखिए, इसको मैंने पूरा फैला लिया है। अब मैं 2 से 4 घंटे के लिए इसको ऐसे ही बाहर रखूंगी। अगर आपको जल्दी बर्फी के पीसेस तैयार करनी है तो आप इसको फ्रीजर में रख दीजिए 1 घंटे के लिए। अब ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। इसको हम सिल्वर के वर्क से गार्निश करेंगे। जैसे आपको पीस सही लगे वैसे आप कट कर लीजिए। देखा फ्रेंड, बर्फी बनाना कितना आसान है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक फॉर वॉचिंग।